नक्सलियों की घेराबंदी के लिए गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ ने बिहार राज्य की सीमा से सटे जिले की पुलिस के साथ बैठक के बाद नक्सलियों के विरुद्ध अभियान को तेज कर दिया है। गिरिडीह एसपी अमित रेणु के अनुसार बिहार की सीमा के अलावा पारसनाथ पर्वत की तराई वाले इलाके में छापेमारी चलाई जा रही है। पुलिस नक्सल प्रभावित गाँवों में कम्युनिटी प्रोग्राम चला रही है और दूसरी ओर नक्सलियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज रही है। बरसों बाद गिरिडीह में प्रतिरोध सप्ताह के दौरान नक्सली वारदात पर एसपी ने पूरी तरह से गंभीरता दिखाई है। पूरे राज्य में नक्सलियों के पकड़े जाने का दावा किया है। डीजीपी नीरज कुमार सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस ने कई नक्सलियों को मार गिराया है और उनके जमीन से पांव उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नक्सली फिलहाल अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, लिहाजा कुछ घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। नक्सलियों को मुख्य धारा में शामिल होने की अपील गिरिडीह पुलिस ने की है। वहीं नक्सली अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो ऐसे में उनको अंजाम भुगतने की भी चेतावनी दी है। देखिए, गिरिडीह जिले में नक्सल क्षेत्र की अगर बात करें तो दो प्रमुख क्षेत्र यहाँ पे गिरिडीह जिले में है, एक पारसनाथ का क्षेत्र और दूसरा बिहार से जो संबंधित थाने हैं जो जिनका सीमावर्ती क्षेत्र में, वो क्षेत्र नक्सल प्रभावित रहा है पूर्व से। दोनों ही क्षेत्रों में सघन अभियान चलाया जा रहा है, जो सीआरपीएफ पुलिस की जो टुकड़ियां मौजूद हैं दोनों क्षेत्रों में, उनके द्वारा कंबाइंड रूप से अभियान चलाया जा रहा है। ना सिर्फ गिरिडीह जिला बल बल्कि सीमावर्ती जो जिला है हमारे, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन करके ऑप्स निकाला जा रहा है और जहां जहां पे सूचना मिल रही है नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। कुछ दिनों पूर्व एक मीटिंग की आयोजन की गई थी जिसमें जमुई क्षेत्र के कमांडेंट्स, सीआरपीएफ के, एसएसबी के एवं उस क्षेत्र के जो वरीय पदाधिकारी हैं और हमारे इधर के जो संबंधित थाने एसडीपीओ और सीआरपीएफ के वरीय पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की गई थी। एक कंबाइंड मीटिंग करके एक स्ट्रेटजी तय किया गया जिसके फलस्वरूप आगे भी इसका रिजल्ट्स देखने को मिलेगा और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा दोनों ही जिला का इन क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियों को कमी लाने का। पिछले महीने जनवरी में प्रतिरोध सप्ताह में नक्सलियों के द्वारा कुछ एक घटनाएं की गई जो दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसमें कुछ एक मोबाइल टावर्स और एक पुल को क्षतिग्रस्त किया गया, रेलवे ट्रैक को भी क्षतिग्रस्त किया गया था। परंतु ये कोई घटनाएं जो है वो प्रेजेंस दिखाने का एक जरिया है, जिसमें इनके द्वारा जो घटती इनका जो स्ट्रेंथ है जैसे जैसे घटता जा रहा है, ये इनका एक प्रेजेंस दिखाने का एक जरिया मात्र है। इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करी जा रही है, इन सब घटनाओं को लाइटली नहीं लिया जा रहा है। जो भी नक्सली हैं, आपके माध्यम से, विभिन्न मीडिया चैनल्स के माध्यम से मैं उनको चेतावनी देना चाहूंगा, या तो सरेंडर करें या आपके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई होगी उसके लिए आप तैयार रहें। कई एक नक्सली जो इस घटना में शामिल थे, जिन्होंने एक्सप्लोसिव्स सप्लाई किया या फिर जिसकी डायरेक्ट संलिप्तता रही आईडीज प्लांट करने में, उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, उनको न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया है। लगातार जारी है ऐसी कार्रवाई और जैसे जैसे लोग चिन्हित होते जा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई आगे भी की जाएगी। नक्सलियों और गिरिडीह से पुराना रिश्ता रहा है। नक्सलियों ने गिरिडीह जिले में कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है जिससे पूरा झारखंड दहल चुका है। ऐसे में नक्सलियों के खिलाफ इस अभियान को पुलिस कितनी सफलता से अंजाम देती है, ये देखना बाकी है। मुखर संवाद के लिए गिरिडीह से ब्यूरो रिपोर्ट। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ
संघर्ष की दास्तान।